Hey guys, welcome back to my new vlog. तो भाई यार सबसे पहले आप सबको हैप्पी लोहड़ी लोहड़ी दिया लख लख बताइए। तो भाई हम सारे तैयार हो गए, बस बाहर ना भी रील बन रही है, फटाफट से रील बनाते हैं और हमने आज जाना है पानीपत। लेकिन उससे पहले मैं कंफ्यूज हुआ कि एक शॉल मैंने अभी ले रखी है, वो वाली शॉल डालू या फिर दूसरी शॉल। पहले मम्मी के पास चलते हैं, फटाफट चेक कर देगी दूसरी शॉल कौन सी है। और आप भी बताओ कमेंटों में कि कौन सी वाली शॉल अच्छी लगती है। तैयार तो हो गए लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि ये वाली लोई लू ऊपर, ये वाली शॉल लू या फिर जो मम्मी दूसरी दिखा रही है। दिखाओ भाई कौन सी दिखाइयो, इधर दिखा, ये वाली ये जरा पाके देख ले यार कौन सी अच्छी लग रही है। ताकि ये तू ले लेना, कौन सी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, पिंक वाली अच्छी लग रही है। आपने चुन्नी की तरह टांग दी, पूरी करो ना। ये ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे तो ठीक। ये देख, आपने तो शाहरुख खान बना दिया है। अब देखना जाके देख शीशे में, कमेंटों में बताओ यार क्या कौन सी अच्छी लग रही है। ये वाली है जो पहले लगाई हुई थी, वो वाली गाड़ी में। तो मैं हो गया, मैंने ना अपना पिज्जा ऑर्डर कर दिया क्योंकि मेरे को लगी है भूख। तो इतनी देर में घर वाले आते हैं फटाफट से, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे को इंतजार कराना ही होता है। तो मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, 5-10 मिनट में आ जाएगा। फटाफट से पिज्जा खाते हैं और निकलते हैं। भाई पिज्जा तो मेरा आ गया लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई है कि मैं पनीर नहीं खाता, मैंने आज तक जिंदगी में कभी पनीर नहीं खाया। तो भाई को मैंने कहा था कि नॉर्मल बिना पनीर वाला पिज्जा दे दे वेज, और उसने ये देखो यार पनीर वाला पिज्जा दे दिया है। बट कोई नहीं, हम पनीर को ऊपर से उतार देंगे, पिज्जा पिज्जा खा लेंगे। होगी वे दे दी सारी खबर की हाँ निकल गए हैं, मैं ए सूट पाया, वो सूट पाया। भाई पहले सिस्टम होता था कि ना कहीं जा रहे तो ना अपनी बहन को मम्मी बोलती थी मैं तेनु फोटो भेज रही मैं 10 की मैं कीवे लग रही हूं। अब तो मम्मी सीधा कहती है रील च वेख ले मैं कीवे लग रही, मैं रील च पाई है ना, जो कपड़े रील च पाए हैं वही पा रखे ने। बाकी भाई अब हम निकल चुके हैं तो हम पानीपत क्यों जा रहे हैं, वो हमारे माता पिता पीछे बैठे हैं। नॉर्मल है, ये लोहड़ी पे जा रहे हैं, लोहड़ी पे जा रहे हैं भाई, नॉर्मल है। नहीं लोहड़ी पे तो जा रहे हैं लेकिन नवा व्याह जोड़ा है उनकी पहली लोहड़ी है तो इसलिए हम जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो हम अपनी लोहड़ी मनाते बड़ी बहुत बढ़िया। एक तो ना हमें 2 घंटे हो गए घर से निकले और भूख इतनी ज्यादा लग रही है, ऊपर से हम जा रहे ना पीछे से पापा बोलेंगे इधर मोड़ ले, इधर से ये बोलेगा इधर मोड़ ले, समझ नहीं आता जाएगा सीधे रास्ते, कोई नहीं जाएगा सीधा जाओ सीधा सीधा जाओ सीधा जाओ, कभी यहाँ ले ले वहां ले ले, सीधे रास्ते कोई नहीं जा रहा। इधर से निकले उससे पहले तेरा गाड़ी तो तू पंजा दबा के आगे भाग जाता है। तो मेरे को पता ना कहाँ से जाना है, मैं सही रास्ते लेके जा रहा हूँ। मोबाइल बंद कर दिया अपना, नेविगेशन बंद कर दिया भाई, इतना परेशान हो रहे सिर दर्द हो गया, जाम इतना ज्यादा मिल रहा है। हमें अभी वहाँ पहुंच जाना चाहिए था, 7:30 हो गई है, हमें वहाँ होना चाहिए था और अभी तक हम यहीं पे हैं दिल्ली में, दिल्ली से निकले अभी तक 2 घंटे में। गड्डी को बजाने चाहिए जब बाहर निकल जाए, बहुत जाम है बेटा, बहुत मुश्किल हो गए। मम्मी फरमाइश भी ऐसी करती है जैसे हम ले लेंगे और कोई नहीं ले सकता गाड़ी है। नहीं नहीं हम नहीं, चलो और लोग ले ले जाम से, वो तो जाम से निकल जाए, वो जाम से निकल जाए, हम जाम में फंस रहे हैं मतलब। नहीं नहीं जाम से निकल जाएगा तो रश खत्म हो जाएगा ना। अच्छा समझता समझता नहीं है, जो पैसे वाले वो पैसे वाली गाड़ी ले लेना। बता रहा हूँ भाई हमारा सारा व्लॉग ना लोहड़ी का आज का हमारा सारा व्लॉग जो है गाड़ी से शुरू हुआ है, गाड़ी में खत्म हो जाएगा। हमें इतना मतलब 5 बजे के निकले हैं, 8:30 बज गए हैं, अभी देखो हमसे बॉर्डर पहुंचे हैं, इतना गंदा जाम है पता नहीं क्या, कोई सेलिब्रेट ही नहीं कर रहा, सारे रोड पे निकले पड़े हैं। लो भाई लो हमने पापड़ ले लिए हैं क्योंकि जाम में फंसे फंसे हमारे सिर दर्द हो रहा था, भूख लग रही थी, तो ये पापड़ खाएंगे अब। अपना खाना शुरू हो गया है, गगन असली बोल दिया, गगन ने क्या भूख लगी है, भूख तो लगी है यार, इतनी लेट हो गए हैं, 4 घंटे गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम ऐसे भूखे रह सकते हैं। अगर हमारी गाड़ी में जल्दी जल्दी खाना आ जाए ना फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, फिर तो चाहे जितना मर्जी लेट कराओ, फिर कोई टेंशन नहीं है, तो हम खाने की वजह से चले जाते हैं, जाते हैं, ये सारी भूख का वो पेट का वो है मामला। बंदा देखना कैसा जा रहा है, वहाँ जाकर सगन ने के खाना भी है, रास्ते में भी पैसे दे के खाते जाओ। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, पापड़ खाओ ना ये वाले सोच समझ के खाना या फिर नाक बंद करके खाना, क्योंकि ये खा रहे हो ना मसाले छाल मार के नाक में जा रहे हैं। ये क्या डिस्क्लेमर, वो बंदा कोई बोलता है चज की बात बोलता है कि एसी बंद करके खा लो, खाना ही ना नहीं खाओ लेकिन नाक बंद करके खाओ। नाक बंद करके कौन खाता है, बंदा सलाह देता है, वधिया सलाह देता है कि एसी बंद करके खाओ, तू दे कोई सलाह कि खाओ रच के खाओ पर एसी बंद करके खाओ। पापड़ ना डेढ़ थोड़ी भरी ना यार, पर फिर भी
ओहो भाई, फाइनली इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद हम पानीपत पहुंच गए। टाइम हो गया 9:45 हो गया। हम 5 बजे घर से चले थे ना, 5 बजे घर से चले तो 9:45 हो गया। मैं ना क्या हूँ भाई, ये तौलिया नहीं है, ये शॉल है। क्यों सिर्फ लड़कियां शॉल पहनती है? लड़के लड़कों के कपड़े पहन सकती है, हम लड़कियों की शॉल नहीं ले सकते? नहीं नहीं स्कर्ट नहीं भाई, स्कर्ट नहीं। अगर यहाँ पे 100 के लाइक्स हो जाते हैं स्कर्ट पहनेंगे। पहनूंगा, डन। 100 के लाइक करा दो, डन। और अगर 100 के लाइक और अच्छी साथ में होते तो अगर मामू मेरे को पार्कर गिफ्ट करेंगे और ऑनलाइन आएगा। ठीक है, एड्रेस बता दे, एड्रेस भी बताऊंगा। भाई मेरे को एक चीज बताओ। मैं सर आप तो हमसे अलग हो ही, आप रहने दो भाई। हम देखते हैं H&M पे सेल है, ज़ारा पे सेल है, हम जाके कपड़े ले आते हैं। ये भाई साहब कहाँ देखते हैं, वर्सेचे पे सेल है, वहाँ से जाके भाई घड़ी ले आए। कौन सी घड़ी है दिखाना जरा। चल ढोल मैं तेरा इसमें पर्दाफाश नहीं करूंगा, अभी करूंगा। ये दिखा यहाँ पे जूम कर। The biggest difference is mainly price. Versace watches and was a lot cheaper purchases compared to Versace. There is two brands. Versace. अभी इसका price भी तो पता करो कि price तो मर्ज़ी। कितना है? कितना है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक मिनट। नहीं कितना है? 20,000 की है, but 50% off चल रहे हैं तो 10,000 की पड़ी। हैं? हाँ। हैं? हाँ। भाई मेरे को लगा होगी 60-70 यार। 40,000, 40,000। अहले, अहले 40,000। जाओ गाजर का लवा खाओ। चल यार भाई, तू जैसे कह रहा कि वर्सेची घड़ी मेरे को लगा होगी 50,000-60,000 की। नहीं देखो लोग देखने में तो अच्छी है, मतलब लग रही है। 1,00,000 पहले के ज्यादा लगा दिए। तेरे को पता नहीं, मासी हमारी स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ा करती थी, दिन में पढ़ लिया करती। लेकिन दो रसोई घर में बैठ के पढ़ती होगी। गगन की ऐसे थी जैसे लिपस्टिक लगाई होती है, हमारी काम वाली ऐसे बोलती थी। मैं गाना बना दिया है सही वाली। नहीं वो रूल्स लगा के आंधी आ रही है ना। ये कैसी बातें कर रहे हो, पारिवारिक माहौल नहीं रहा यहाँ पे।